रानीखेत में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं THDS के हरीश चंद उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को विभाग पार कार्यों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सरकार की उज्ज्वला योजना, दीनदयाल ज्योति योजना समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से हर घर को बिजली पहुँचाई गई है। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का मेन मुख्य यही है कि जो सरकार द्वारा कि लोग अब अपने घरों में ही बिजली का पैदा करें और सौर ऊर्जा की तरफ इसका ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। हम लोगों ने भी अब क्या है, राजस्थान में एक अपनी 1200 मेगावाट का MOU किया है, उसमें भी सब सौर ऊर्जा ही है। तो कुल मिला के उज्ज्वल भारत का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ता समझे कि मेरे को कोई परेशानी होगी, मैं उसकी शिकायत कहाँ करूँ, कि ऑनलाइन सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं।